बड़ी खबर सिरसा से आपको बता दें, आज एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे किसान। पांच किसानों की रिहाई की मांग को लेकर होगा घेराव। बड़ी संख्या में सिरसा पहुंचेंगे किसान। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के दिग्गज नेता भी सिरसा पहुंचेंगे। किसानों के घेराव को देखते हुए पुलिस प्रशासन से बता दिया, एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे किसान। पांच किसानों की रिहाई की मांग को लेकर होगा घेराव। बड़ी संख्या में सिरसा पहुंचेंगे किसान। संयुक्त किसान मोर्चा के दिग्गज नेता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। किसानों के घेराव को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट। हम आपको दिखा रहे हैं सिरसा में किस तरीके से पुलिस की सख्ती आज देखने को मिल रही है। इसकी तस्वीरें आपके सामने इस वक्त। सिरसा में जगह जगह पर भारी फोर्स तैनात किया गया है, बैरिगेटिंग्स लगाए गए हैं और पैनी नजर प्रशासन की आज सिरसा के चप्पे चप्पे पर, क्योंकि आज किसान सिरसा में प्रदर्शन करने वाले हैं। एसपी कार्यालय का किसान घेराव करेंगे और इस प्रदर्शन के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के दिग्गज नेता भी पहुंच रहे हैं सिरसा। तीन तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी संख्या में फोर्सेस भी तैनात हैं और कितनी सख्ती आज पूरे सिरसा में की जा रही है। हमारे सहयोगी अमित जुड़ गए हैं इस खबर पर। अमित, क्या जानकारी मिल पा रही है, किसान कब तक पहुंचेंगे और प्रदर्शन करेंगे और किसानों के प्रदर्शन को लेकर किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था आज सिरसा में? जी बिल्कुल नंदिनी, आज जो आंदोलन है वो विशेष रूप से जो आज का घेराव कार्यक्रम रखा गया है, एसपी कार्यालय का घेराव किसानों की ओर से आह्वान किया गया और इसमें प्रदेश भर से किसानों के जुटने का दावा किया गया है और यह कहा गया कि ट्रैक्टर ट्राली पर सवार होकर शहीद भगत सिंह स्टेडियम पहुंचेंगे किसान। संयुक्त किसान मोर्चा की यह अपील है और साथ साथ जो कई बड़े नेता हैं उनमें राकेश टिकैत का नाम भी लिया जा रहा है और तमाम दूसरे जो नेता इस आंदोलन से जुड़े उनके पहुंचने की बात कही जा रही है। फिलहाल प्रशासन की अगर रणनीति की बात करें तो पूरी जो सुरक्षा कई लेयर्स में बनाई गई है, साथ साथ आरएएफ की टुकड़ियां भी तैनात की गई है और तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो पहले से ही रास्ता रोके हुए हैं ताकि उस स्टेडियम तक ना पहुंचने दिया जा सके। इस प्रकार का पूरी सुरक्षा के बंदोबस्त लघु सचिवालय परिसर के भी किए गए हैं, तमाम उपाय पुलिस ने किए गए हैं ताकि ज्यादा भीड़ न जुट सके। और यह जो पहले एक स्थिति बिगड़ गई थी, मैं आपको यह इस जानकारी दे दूं कि रणवीर गंगवा डिप्टी स्पीकर है, उनकी गाड़ी पर पथराव हुआ था जिसके बाद पुलिस प्रशासन की ओर से 100 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और 5 किसानों को उसमें गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हीं की रिहाई को लेकर यह आंदोलन
किया जा रहा है, आज का घेराव कार्यक्रम रखा गया है। जी नंदिनी, जी बिल्कुल अमित, और लगातार इन दिनों हरियाणा में किसानों के इस तरीके के प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं और पुलिस की सख्ती से किसानों को आपत्ति है और इसीलिए सिरसा में आज जो है ये प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन अगर मैं किसान आंदोलन की बात करूं तो देखिए सिरसा ही वो जगह है जहां से ये आंदोलन शुरू हुआ था पक्के मोर्चे के साथ, और लगातार सिरसा में इन दिनों जब प्रदर्शन होते हैं तो लोगों को भी परेशानी आती होगी, ट्रैफिक की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ता होगा, आम लोगों का जनजीवन किस तरीके से प्रभावित होता है एक बार वो बताएं। जी निश्चित रूप से नंदिनी, आपके सारे सवाल जायज हैं, क्योंकि सिरसा में आंदोलन शुरू हुआ था, पक्का मोर्चा लगाया गया था, और विशेष रूप से सरकार में शामिल हैं जो उप मुख्यमंत्री के रूप में दुष्यंत चौटाला और बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, इन दोनों की ही जो इनके इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया गया, पक्का मोर्चा लगाया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि यह जो शहीद भगत सिंह स्टेडियम से कुछ दूरी पर ही दुष्यंत चौटाला और रणजीत सिंह का आवास है, और सबसे बड़ी जो एक बात इसमें यह है कि जो दुष्यंत चौटाला की जो जहां आवास है वो पूरी रोड जो है लगातार ब्लॉक है, वहां जो लोग काम कर रहे हैं उनकी दिनचर्या प्रभावित होगी, कई लोग तो वहां दुकानें किराए पर लेकर बैठे थे वे दुकानें छोड़ चुके हैं वहां से, तो ऐसे में तमाम तरह की दिक्कतों का सामना जो है वो वहां के लोगों को करना पड़ रहा है। वो पूरी रोड जो बैरिकेटिंग करके उसको ब्लॉक कर दिया गया है, जहां वहां से आवागमन बिल्कुल बंद है। पिछले अगर बात करें जब से आंदोलन शुरू हुआ है, 9 महीना का पीरियड जो बीत चुका है उसमें यह रोड बंद है पूरी तरह से, और यहाँ लगातार पुलिस की सुरक्षा रहती है, ऐसे में वहाँ आवागमन भी बाधित रहता है और ट्रैफिक तो पूरी तरह से अव्यवस्थित हो ही जाता है। जी नंदिनी, तो आज हमें इसी एरिया में किसान भी पहुंच रहे हैं शहीद भगत सिंह स्टेडियम के पास। जी निश्चित रूप से इसी एरिया में पहुंच रहे हैं, पूरी पुलिस की ओर से कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एसपी के ऑफिस की अगर बात करें तो 3 लेयर बैरिकेटिंग की गई है, इसके अलावा आरएएफ और आईटीबीपी की भी टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं, जिसमें किसान ताकि ना पहुंच सकें इस कार्यक्रम स्थल तक, तो ऐसे में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी फुटेज की भी जो व्यवस्था की गई। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़े हैं अतर सिंह संधु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अतर सिंह जी। धन्यवाद सर, आज एक बार फिर से सिरसा में आप लोग इकट्ठा हो रहे हैं, किसानों का जो है प्रदर्शन आज सिरसा में होने जा रहा है, हम प्रशासनिक रूप से जिस तरह की व्यवस्था देख सकते हैं कहीं ना कहीं किसी तरह का उपद्रव ना हो इसकी तैयारी की जा रही है, तो पुलिस की इस तैयारी को देखकर तो लग रहा है जैसे मानो सर किसी तरह का उपद्रव मचाने की संभावना हो, तो क्या वहां आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे या कोई हल्ला बोलेंगे? ये देखिए, किसान शुरू से ही करीब 8 महीने से दिल्ली की सड़कों के आसपास बैठे हैं। किसान ने हमेशा शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया है और हमेशा हमारी शुरू से मांग रही है सरकार से भी हमारे जो तीनों कानून वापस लिए जाएं और एमएसपी का कानून बनाया जाए, उसके लिए शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज सरकार में भी शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट रहेगा तो कुछ आपराधिक तत्व होते हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों से संबंधित लोग होते हैं जो ऐसे उपद्रव करते हैं, कोई भी किसान नेता किसान यूनियन से जुड़ा आदमी कभी उपद्रव नहीं करता। अतर सिंह जी, आज सिरसा में होने वाले प्रदर्शन के पीछे क्या एजेंडा? देखिए, एजेंडा तो वही है जो सरकार ने तीनों जो कानून सरकार ने बनाए हैं उनको वापस लेने के लिए दबाव है प्रशासन की सरकार के ऊपर, और वो समय समय पर हरियाणा में उत्तर प्रदेश में या बाकी प्रदेशों में भी प्रदर्शन चलते रहते हैं। आज सिरसा ऐसा प्रोटेस्ट चल रहा है तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ा ही शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट रहेगा, और वो प्रजातंत्र में हर नागरिक का अधिकार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे अतर सिंह जी जो सिरसा में होने वाले प्रदर्शन को लेकर बता रहे थे कि किस तरह जो किसान पुलिस की हिरासत में हैं उनकी रिहाई को लेकर आज किसान मोर्चा जो है सिरसा में प्रदर्शन कर रहा है, और इस प्रदर्शन के मद्देनजर प्रशासनिक रूप से चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं, भारी संख्या में फोर्स बैरिगेटिंग और पुलिस की मॉनिटरिंग, ड्रोन कैमरा के जरिए मॉनिटरिंग आज सिरसा में हो रहा है। तो आज एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे किसान, 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, भारी संख्या में फोर्सेस की तैनाती सिरसा में और लगातार किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर प्रशासनिक तौर पर भी तैयारियां की गई हैं।